people used to make fun with these words. So I used to ask, ye hota kya, what does it mean? So they told me, these are the people who have feelings for the same genders. So that's how I got to know ki, okay, aisa bhi kuch hota hai. Because earlier it was just like male and female for me. I feel they have a huge battle to fight, which is with themselves. And we, being their surrounding, are creating अलग ढंग से उनको बात करते उनको रखते, तो ये बहुत गहरा असर पड़ता है उनकी मानसिकता, उनको एक बायस फील करवाते हैं लोग ऑन एवरी सर्टेन स्टेज, लाइक जितना नॉर्मल लोगों को मिलता है उससे लाइक हर चीज में उनको एक थोड़ा बायस, एक कम स्टेज उनको फील कराया जाता है इन्हें। गेज एंड लेस्बियन, आई हर्ड के भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो मानसिकता होती है साथ ही, धीरे धीरे वो उनको हो जाता है नॉर्मल सब, पर इट्स नॉट लाइक दैट। जो मतलब नॉर्मली फ्रेंड्स और फैमिली के लिए कभी सुनने में नहीं आता था, वो इस ये कम्युनिटी के बारे में ऐसा होता था कि यूजुअली in trains and anywhere, whenever they used to come across, our parents used to say that इनसे थोड़ा दूर रहा करो, they are not like, they can harm you anytime. And the doctor asked her that why is she now going through this treatment, this surgery, and the surgery was breast enhancement surgery. And the girl answered that she is suffocating in there because she is a woman inside but trapped in a male's body. और कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो उनका नाम लेके मजाक उड़ा रहा है, लाइक दिस इज इंसल्ट टू देयर कम्युनिटी यार। हम ऐसा तो नहीं कहते लड़की है लड़का है, क्योंकि ये इंसल्ट नहीं है ना, ये तो नॉर्मल है, जनरल है, गे लेस्बियन इंसल्ट बना के रखा है, दैट इज रॉन्ग। एंड बट पहले से ऐसा बकता होता आ रहा है उनको कहीं जॉब में, और मूवीज में भी जो उनका रोल है वो कोई फीमेल या मेल कैरेक्टर ही करता है, उनको वहां भी जगह नहीं मिलती लाइक एलजीबीटीक्यू ऐसा किरदार के पास। So I think इन चीजों के लिए लॉ बनना चाहिए, because until and unless people normalize it with a little bit of pressure from the law side, ये gradually normalize होने में तो बहुत time लगेगा, because it. But nowadays like things are changing, so we cannot say completely, but at least 30-40% improvement can be seen. About I don't know her name, but I heard her TED talk a while back, and she is actually the one who presents Indian transgender community at UN, okay? That her story was something like this, that she, her body processed like a female, but her organs were that of a male. ये चीज़ जो है ना, वो हमारे दिमाग में पहले से ही बिठाई गई कि भाई ये तो अलग ही होते हैं, ये सिर्फ ये शादी ब्याह में या इस काम में ही आते हैं, या फिर कोई बच्चा जन्मा, और ये ऐसा होता ही नहीं है, मतलब ये बहुत ही भगवान की गलती समझ के मतलब इन लोगों को ट्रीट किया जाता है। बेसिकली ये जो सारे मिथ फैल गए तो वो हमारे दिमाग में पहले से बिठा दिए गए कि भाई हाँ, तो लुक ऑल द पर्सनल प्रॉब्लम्स दे आर गोइंग थ्रू नाउ, दे कैन नॉट शेयर इट विद अस, ओके? इवन इफ दे शेयर, वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड देम, राइट? So at least we can support them from outside, ki okay, whatever you go through, we are beside you.